आज से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत यूपी सरकार करने जा रही है, लेकिन ये क्या योजना है और कैसे इसका लाभ उठा सकेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो कन्याओं को कितनी मिलेगी मदद, 1200 करोड़ रुपए की योजना का बजट जो है वो रखा गया है। जन्म से लेकर 12वीं में पहुंचने तक की मदद इन बेटियों को मिलेगी। 6 श्रेणियों में 15,000 रुपए की मदद जो है वो दी जाएगी, जो सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। हर जिले में 500 बालिकाओं को ये लाभ मिलेगा। कन्याओं को कितनी लाभ इस योजना से मिलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। बच्चों के जन्म के समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं 1 साल के टीकाकरण पूरा करने पर 1,000 रुपए, पहली क्लास में दाखिला होते ही 2,000 रुपए परिवार को मिलेंगे। वहीं छठी क्लास में प्रवेश लेते ही 2,000 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से परिवार को दिए जाएंगे। 9वीं क्लास में पहुंचने पर 3,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश में यूपी सरकार 5,000 रुपए जो है डिग्री या ग्रेजुएशन के दौरान मिलेंगे। 1200 करोड़ रुपए जो है योजना का बजट रखा गया है, और बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी होने तक, उसको आत्मनिर्भर बनाए जाने तक ये सहायता राशि जो है वो सरकार की तरफ से परिवार को दी जाएगी, और एक परिवार की 2 बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आज शुरुआत करेंगे। आज से ये योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसका लाभ उन परिवार को मिलेगा जिनके यहाँ बेटियां हैं, और एक परिवार की 2 बेटियां इस योजना का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किसको कितनी मदद मिलेगी।